नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। झारखंड से होगी मजदूरों की वापसी, 24 घंटे में रायपुर पहुंचेंगी बस। रायपुर डिप्टी कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि झारखंड के मजदूरों को लेकर आज शाम या कल सुबह रायपुर पहुंचेंगी बसें। सूरजपुर से तीनों कोरोना मरीज रायपुर एम्स लाए गए। प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। सूरजपुर में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। सूरजपुर से तीनों संक्रमित मरीजों को रायपुर एम्स लाया गया। एम्स की तरफ से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में शराब दुकान खोलने पर फैसला रविवार को। जनता लगातार शराब दुकान खोलने की मांग कर रही है। लखमा के मुताबिक 3 मई तक शराब दुकान बंद रखी है। शराब की दुकानें 4 मई को खोले या 5 को, फैसला हम रविवार को लेंगे। जल्द ही शराब दुकान खोले जाएंगे। कोटा से राजधानी आए 2252 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। छत्तीसगढ़ के लिए एक राहत भरी खबर है। राजस्थान के कोटा से राजधानी लौटे 2252 मेडिकल छात्रों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रायपुर जिले के 700 बच्चे की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। आईटीबीपी के 5 जवान कोरोना पॉजिटिव, 100 जवान क्वारंटाइन में। दिल्ली में तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 5 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। एहतियात के तौर पर करीब 100 जवानों को क्वारंटाइन किया गया। मौत की अटकलों के बीच सामने आए किम जोंग उन। किम जोंग पहली बार सार्वजनिक रूप से एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन करते हुए नजर आए हैं। कोरिया की केंद्रीय समाचार एजेंसी के मुताबिक किम जब इस कार्यक्रम में शामिल हुए तो सभी लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि कुछ दिनों से उनके मौत की अफवाह फैल रही थी। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, सरकारी महकमा सबसे 100-100 रुपए पीएम केयर के लिए वसूल रहा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, भदोही में कोविड-19 के लिए सरकारी महकमा पीएम केयर में 100-100 रुपए फंड जुटा रहा है। गेम ऑफ थ्रोन्स को पीछे छोड़ रामायण ने तोड़ा विश्व रिकॉर्ड। दूरदर्शन के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आया है जिसमें लिखा गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। दूरदर्शन पर पुनः प्रसारित हैशटैग रामायण ने दुनिया भर में कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 16 अप्रैल को 7.7 करोड़ दर्शकों के साथ यह शो सर्वाधिक देखे जाने वाला मनोरंजक कार्यक्रम बन गया। पंत ने धोनी को बताया मेंटर, कहा उन्होंने हमेशा मदद की। ऋषभ पंत ने आईपीएल की अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव चैट के दौरान यह बात कही। पंत ने कहा, धोनी मेरे पसंदीदा बैटिंग पार्टनर है। जब वे दूसरे छोर पर होते हैं तो अलग ही ताकत महसूस होती है। उन्होंने हमेशा मदद की, लेकिन इस बात का ध्यान रखा कि मैं पूरी तरह उन पर निर्भर ना रहूं। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।